नमस्कार दोस्तों, यूएई और इसराइल के बीच का एग्रीमेंट। आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि सर इस न्यूज को आए हुए काफी दिन हो चुके हैं। इस न्यूज को मैं ऑलरेडी अपने एडिटोरियल में डिस्कस कर चुका हूँ, तो यहाँ पे इसके लिए एक अलग वीडियो बनाने की जरूरत क्या है? बनाने की जरूरत इसलिए है दोस्तों, देखिए यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के बहुत से एस्पेक्ट्स बताऊंगा। इसराइल का जो ट्रबल्ड नेबरहुड है, जो कंट्रीज हैं जो कि इसराइल से काफी चिढ़ती हैं, जो उसके आसपास की कंट्रीज हैं, उसके बीच में इसराइल किस तरीके से सर्वाइव कर रहा है, कैसे इसराइल बना, यहाँ पे ईरान का क्या रोल है और ईरान की वजह से ईरान कितना बड़ा कारण है इस यूएई और इसराइल के एग्रीमेंट का, इन सब चीजों को खंगालने की कोशिश करेंगे दोस्तों हम इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां पे मैं पीडीएफ अपडेट कर दूंगा। किसी भी तरीके के डाउट रेजोल्यूशन के लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस डील के बारे में कुछ देख लेते हैं। इसराइल और यूएई ने अगस्त 2020 में ये अनाउंस किया कि वो फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू कर रहे हैं, और इस डील के बीच में बिचौलिया कौन था, ब्रोकर कौन करा रहा था इस डील को, वो था यूएसए। इस डील में इसराइल और यूएई को मिला क्या क्या है? देखिए, इसराइल को मिला है फॉर्मल रिकॉग्निशन फ्रॉम यूएई। अब तक मेजॉरिटी ऑफ द अरब स्टेट्स इसराइल को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पेलेस्टीनियंस की जमीन को तोड़ के इसराइल बना था, और बहुत हद तक ये भी बोला जा रहा है कि इसराइल पेलेस्टीनियंस पे बहुत अत्याचार करता है। उन सब चीजों के बाद भी इसराइल को यहां पे एक रिकॉग्निशन मिल गया है। अब इस रिकॉग्निशन के चलते और इस फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस के चलते होगा क्या इसराइल और यूएई के बीच में? देखिए, इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगा दोनों कंट्रीज के बीच में, दोनों कंट्रीज के बीच में टूरिज्म शुरू हो जाएगा, इन दोनों कंट्रीज के लोग एक दूसरे की कंट्रीज में जाके घूम फिर सकते हैं, डायरेक्ट फ्लाइट, सिक्योरिटी, टेलीकम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, हेल्थ केयर, एनवायरमेंट, कल्चर, इन सब में इन दोनों के बीच में रिश्ते शुरू हो जाएंगे, और दोनों मिलकर COVID-19 की वैक्सीन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये तो मिला इसराइल को। अब सवाल उठता है कि यूएई को क्या मिला? बहुत सारे लोगों का ये बोलना है दोस्तों कि यूएई को इस डील से कुछ भी नहीं मिला, यहां आपको यूएई नजर आ रहा है और यहां पे आपको इसराइल नजर आ रहा है। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं यूएई यहां पे लूजर है, यूएई यहां पे कुछ नहीं पा रहा है, इसराइल को यहां पे बहुत कुछ मिल रहा है, इसराइल के लिए एक मेजर विक्ट्री, और ये सच में इसराइल के लिए एक मेजर विक्ट्री है। जो उनके प्राइम मिनिस्टर है ना बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी फॉरेन पॉलिसी का वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट मैं बोलूंगा उनका यही है। यूएई का यहां पे क्या स्टेटमेंट है? यूएई ने एक एश्योरेंस लिया है इसराइल से। इसराइल ने बोला है कि हमने ये जो प्लान बनाया है वेस्ट बैंक के पार्ट को एनेक्स कर का, हम कुछ समय के लिए इस प्लान को सस्पेंड कर रहे हैं। अभी इस वेस्ट बैंक को समझिए दोस्तों, देखिए अगर आप इसराइल के नक्शे को देखोगे, अभी फिलहाल के लिए इसराइल के अगर नक्शे को देखें, यहां पे आपको इसराइल नजर आ रहा है, साउथ में आपको सिनाई पेनिनसुला दिख रहा है जो इजिप्ट के कब्जे में, ईस्ट में आपको जॉर्डन नजर आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में आपको सीरिया नजर आ रहा है, नॉर्थ में लेबनन नजर आ रहा है। लेबनन बहुत न्यूज में रहा है, रिसेंटली बेरूत में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, बहुत सारा एमोनियम नाइट्रेट फट गया, तो इसलिए भी ये जो इलाका है बहुत ज्यादा न्यूज में है। आप इसराइल और सीरिया के बॉर्डर पर गोलन हाइट्स पाएंगे, जिसके लिए ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ सका है यूपीएससी। अब अगर पेलेस्टीनियन टेरिटरी की बात की जाए तो इसराइल की दोनों तरफ पेलेस्टीनियन टेरिटरी है। यहां पे देखिए, यहां पे गाजा पट्टी, ओके, गाजा पट्टी में भी पेलेस्टीनियंस रहते हैं, और ये है आपका वेस्ट बैंक, जो पूरा इलाका आपको नजर आ रहा है ये है आपका वेस्ट बैंक, और इस वेस्ट बैंक की बाउंड्री लगती है जॉर्डन के साथ। अभी इस वेस्ट बैंक में खिचड़ी मच रखी है दोस्तों, बहुत सारी जगहों पे पेलेस्टीनियंस अथॉरिटीज का कब्जा चल रहा है, बहुत सारे इलाकों पे इसराइल की अथॉरिटीज का कब्जा है। ओवरऑल आप देखो जो जॉर्डन के साथ जो बॉर्डर लगाता है ये टेरिटरी, वहां पे ज्यादातर इसराइल ऑक्युपाइड एरिया है। बस इस एरिया के अंदर बहुत सारे पेलेस्टीनियंस रहते हैं, वो पेलेस्टीनियंस अपने काम में थोड़े बहुत फ्री हैं, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इस इलाके पे कब्जा है इसराइल का। कुछ हफ्ते पहले इसराइल ने यही अनाउंसमेंट की थी कि हम इस पूरे एरिया को फॉर्मली इसराइल में जल्दी एनेक्स कर लेंगे। इसराइल को इसके लिए इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल फोरम्स में काफी क्रिटिसाइज किया गया। यूएई ने जो डील की है इसराइल के साथ, उसमें यूएई ने यही शर्त रखी है कि आप इसको एनेक्स नहीं करोगे, और इसराइल ने अभी के लिए बोल भी दिया है कि हम एनेक्स नहीं करेंगे। ओके, सो बेसिकली दिस वेस्ट बैंक इज अ लैंडलॉक टेरिटरी नियर मेडिटेरेनियन कोस्ट ऑफ वेस्टर्न एशिया, बॉर्डर्ड बाय जॉर्डन ऑन द ईस्ट, इस तरफ आपको जॉर्डन नजर आ रहा है, एंड बाय इसराइल टू द साउथ, ओके, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ, यानी नॉर्थ में भी इसराइल है, वेस्ट में भी इसराइल है, साउथ में भी इसराइल है, ओके। यहाँ पे एक बहुत बड़ा हिस्सा डेड सी का भी आता है, आपको डेड सी नजर आ रहा है, यहाँ पे इसराइल में भी एक्सटेंड हो रहा है, जॉर्डन में भी एक्सटेंड हो रहा है, वेस्ट बैंक में भी एक्सटेंड हो रहा है, ओके। आगे चलते हैं, इसराइल का जो नेबरहुड है ना दुश्मनों से भरा हुआ है, इनके साथ काफी लंबी लड़ाई हुई है, फिर पीस एग्रीमेंट साइन हुए,
जैसे इसराइल ने इजिप्ट के साथ पीस एग्रीमेंट साइन किया 1979 में, जॉर्डन के साथ साइन किया 1994 में, बट इन पीस एग्रीमेंट्स को साइन करने के बावजूद ज्यादातर अरब नेशंस के कोई फॉर्मल रिलेशन नहीं है इजिप्ट के साथ, इसराइल के साथ, वो इसराइल को रिकॉग्नाइज तक नहीं करते, किसी भी तरीके के फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है इसराइल और अरब कंट्रीज के बीच में, ना ही किसी तरीके के इकोनॉमिक रिलेशन है। अभी के लिए पहली बार जो फॉर्मल रिलेशन खोले गए हैं वो यूएई और इसराइल के बीच में खोले गए। अच्छा, इनफॉर्मल कॉरपोरेशन बहुत है दोस्तों, जैसे आपको पसुना होगा आपने कि जो इसराइल के प्रधानमंत्री है वो बहुत कुछ ही समय पहले आपका ओमान की विजिट पे भी गए थे, तो आप ये नहीं कह सकते कि अरब जो स्टेट्स हैं, जो अरब कंट्रीज है, वो इसराइल के साथ कोई रिलेशन रख ही नहीं रही है। अभी थोड़ा सा हिस्ट्री में घुसते हैं। अभी जब आप हिस्ट्री में घुसोगे तो सबसे पहले वेस्ट बैंक सेटलमेंट्स और इसकी हिस्ट्री को देखते हैं। जो वेस्ट बैंक था, एक 1948 में अरब इजरायली वॉर हुआ। अरब इजरायली वॉर के दौरान जो इजरायल ये कंट्री बनी थी ना, ये बहुत ज्यादा कमजोर थी। अभी ये बनी कैसे थी, इसके लिए एक पार्टीशन प्लान था, जिस पार्टीशन प्लान का नाम है आपका यूनाइटेड नेशंस पार्टीशन प्लान फॉर पेलेस्टीन। इस पे हम थोड़ी देर में आते हैं जब हम इसराइल ईरान रिलेशन के बारे में बात करेंगे। इस पार्टीशन प्लान के थ्रू आपका इसराइल बना। जब इसराइल बना, जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज थी, जितनी भी अरब कंट्रीज थी, उनको पसंद नहीं आए, क्योंकि पेलेस्टीन लोगों की जमीन को छीन के इसराइल को दे दिया गया। आप देखोगे उसके बाद ये जो वेस्ट बैंक वाला इलाका था, ये जॉर्डन ने कब्जा लिया 1948 में। उसके बाद आप देखोगे एक सिक्स डे वॉर हुआ 1967 में, और सिक्स डे वॉर हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको जून वॉर भी बोला गया है। 1967 का अरब इजरायली वॉर बोलते हैं इसको, थर्ड इजरायली वॉर बोलते हैं। 5 से 10 जून 1967 में चला, केवल 6 दिन का यह वॉर था। एक तरफ था इसराइल, दूसरी तरफ जॉर्डन, इजिप्ट और सीरिया, तीनों की कंबाइंड आर्मीज। सीरिया को उस समय पर बोला जाता था यूनाइटेड अरब रिपब्लिक। आप देखिए 1948 के बाद जो अरब और इसराइल के रिलेशंस थे ना, कुछ बहुत अच्छे नहीं थे। अरब जो कंट्रीज थी उनको इसराइल के प्रति एक बहुत बड़ा ग्रज था। आप देखोगे 1950 के दौरान स्ट्रेट ऑफ तिरान को इजिप्ट ने ब्लॉक कर दिया। अब आप यहां पर देखिए नक्शा दोस्तों, इसराइल यहां पर आपको नजर आ रहा है, ये रहा इसराइल, इधर आपको नजर आ रहा है सिनाई पेनिनसुला, इस सिनाई पेनिनसुला पे कंट्रोल है इजिप्ट का, ये दिख रही है आपको स्ट्रेट ऑफ तिरान। ये स्ट्रेट ऑफ तिरान जाएगी गल्फ ऑफ एडन में, और गल्फ ऑफ एडन तक पहुंचना जरूरी है तभी आप इंडिया जैसी कंट्रीज को पहुंच पाओगे, या फिर आप पैसिफिक ओशन पहुंच पाओगे। अभी सोचिए आप दोस्तों, अगर इसराइल के पास देखिए मेडिटेरेनियन ओशन का तो एक्सेस है, लेकिन मेडिटेरेनियन सी से इसराइल यूरोप पहुंच सकता है, अटलांटिक ओशन के बाद यूएस पहुंच सकता है, लेकिन अगर पैसिफिक ओशन जाना है और इंडियन ओशन जाना है तो स्ट्रेट ऑफ तिरान इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर इसराइल। अगर मेडिटेरेनियन सी के रास्ते से इसराइल जाएगा इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में, तो भैया जाने कितने दिन लग जाएंगे। सो स्ट्रेट ऑफ तिरान इज स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इसराइल। इस स्ट्रेट ऑफ तिरान को 1950s में ब्लॉक कर दिया इजिप्ट ने, और जब इजिप्ट ने इसको ब्लॉक किया इसराइल को आ गया गुस्सा और छिड़ गई एक जंग। 1956 में इसराइल ने सिनाई पेनिनसुला को अब कब्जाने के लिए इजिप्ट पे हमला कर दिया। हुआ ये कि इजिप्ट का था ये सिनाई पेनिनसुला और इजिप्ट ने स्ट्रेट ऑफ तिरान को ब्लॉक किया, तो स्ट्रेट ऑफ तिरान को ब्लॉक किया, इसराइल ने हमला कर दिया। अब उस समय इसराइल भी ज्यादा ताकतवर था नहीं, ठीक है, अरब नेशंस की एक ग्रुपिंग सी बनी हुई थी इसराइल के अगेंस्ट, और इसराइल थोड़ा कमजोर सा पड़ रहा था। लेकिन जो ये हमला हुआ इसराइल का, इससे चीजें थोड़ी सी उखड़ने लगी और यूनाइटेड नेशंस का यहां पर इन्वॉल्वमेंट हुआ। यूनाइटेड नेशंस ने इसराइल से बोला कि आप वापस जाइए, ये जो आपने जितने भी हिस्सों पे कब्जा किया ना, सिनाई पेनिनसुला के बहुत बड़े हिस्से तक इजरायली फोर्सेस घुस आई थी। इजरायली फोर्सेस को यूनाइटेड नेशंस ने बोला आप वापस जाइए, आप चिंता मत करिए, स्ट्रेट ऑफ तिरान आपके लिए खुला रहेगा। जो मेन कंसर्न था इसराइल का, ये जो रास्ता है स्ट्रेट ऑफ तिरान, ये खुला रहे, और इस बात का एश्योरेंस किसने दिया, यूनाइटेड नेशंस ने। यूनाइटेड नेशंस की इमरजेंसी रिस्पॉन्स फोर्स को सिनाई पेनिनसुला में डिप्लॉय किया गया, और बोला गया कि भैया इजिप्ट को समझाया गया आप इस स्टेट ऑफ तिरान को बंद नहीं करोगे। यूनाइटेड नेशंस यूएनईएफ की एक इमरजेंसी फोर्स भी यहां पे डिप्लॉय हुई, ठीक है, लेकिन किसी भी तरीके का डीमिलिटराइजेशन एग्रीमेंट नहीं हुआ। जो मिलिट्री टेंशन थी वो अभी भी बढ़ी हुई थी। अब आप देखोगे जब तक आप जून 1967 तक पहुंचोगे ना, अप्रैल मई का जो महीना है 1967 का, यहां पर टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, वर्बल स्पैट बहुत सारे होने लगे। इजिप्ट धमकी देने लगा कि मैं फिर से स्ट्रेट ऑफ तिरान को बंद कर दूंगा। इसराइल ने ओपनली बोल दिया कि अगर स्ट्रेट ऑफ तिरान बंद हुई
हम हमला करेंगे। इजिप्टियन प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट